मैं इनसे कहूँगा कि चेन खोलें और एक बार ऐप से ज़रूर दिखाएं ब्रेक टाइम 24 के दर्शकों को से करीब से। ये नेशनल ये बॉडी बिल्डर के एप्स हैं। ये दिल्ली में आयोजित नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में दीपक सोलंकी ने गोल्ड मेडल जीतकर बुलंदशहर जनपद का नाम रोशन किया है। दीपक ने 20 से भी ज्यादा प्रतियोगियों को मात देकर यह खिताब अपने नाम किया। दीपक सोलंकी इससे पहले भी मिस्टर इंडिया बनकर जनपद का नाम रोशन कर चुके हैं। छोटे शहरों और गांव के युवा जो कि बॉडी बिल्डिंग में अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, उन्हें दीपक जैसे बॉडी बिल्डर से प्रेरणा लेनी चाहिए। एटलस बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 85 किलो वर्ग की इस फर्स्ट तरुण क्लासिक नामक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटे खुर्जा के टेना गैसपुर निवासी दीपक सोलंकी से हमारे संवाददाता हामिद सैफी ने खास बातचीत की। दिल्ली में आयोजित की गई नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले बुलंदशहर के खुर्जा के दीपक सोलंकी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि ये जो उनकी गोल्ड मेडल तक की जर्नी थी वो कैसी रही। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम 24 न्यूज़ में। धन्यवाद। ये जो चैंपियनशिप आपके बीच अभी हुई थी, आपने भाग लिया था उसमें, आपने गोल्ड मेडल जीता है, टाइम 24 भी आपको शुभकामनाएं देता है। अच्छा, ये जो सफ़र है आपका, ये कैसे शुरू होता है बॉडी बिल्डिंग तक पहुँचने के लिए, वहाँ गोल्ड मेडल तक पहुँचने के लिए? सफ़र ये काफ़ी पुरानी बात है, जब जैसे कि सारे लोग होते हैं, सारे बच्चे होते हैं, कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और जिम जाकर एक ही काम होता है, सबका एक सपना होता है कि मैं एक अच्छी बॉडी बना लूँ और एक अच्छे कपड़े पहन के अच्छा दिख सकूँ मैं। वही मेरा भी आज से 10 साल पहले यही था कि मैं भी एक अच्छा लग सकूँ, अच्छा दिख सकूँ, यही सोचा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मसल ने रिस्पॉन्स अच्छा करा और डाइट अच्छी रही मेरी और पंक्चुअल था, सारी चीज़ें टाइम से चलती रहीं, तो बॉडी में रिस्पॉन्स आए, चेंजेस आने लगे। तो जो गुरु थे हमारे, सारे जो बड़े लोग थे, पुराने लोग थे इस लाइन के बॉडी बिल्डिंग के, सब ने कहा कि क्यों ना चैंपियनशिप में ट्राई करके देखो। अब जो आप दिल्ली चैंपियनशिप में गए थे जहाँ कंपटीशन आपने लड़ा, गोल्ड मेडल भी जीता, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ, और जो खुर्जा में अब जो आपके परिवार हैं वो कैसा महसूस करते हैं? परिवार वाले सारे ही प्राउड फील करते हैं। जिन्होंने आपको इंस्पायर किया आगे बढ़ने के? हाँ, मेरे गुरु अभी मैं जो जिनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, उनका नाम हसमुद्दीन खान है और गाजियाबाद के रहने वाले हैं, मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। और बाकी मेरी मम्मी हैं, पापा हैं, काफ़ी मतलब सपोर्ट करते हैं। मेरी बहन है, सिस्टर हैं, मुझसे छोटी बहन है, बड़ी है, सब सपोर्ट करते हैं कि देखिए स्पोर्ट्स एक अलग गेम है, इसमें हमें खाना है, हार्ड वर्कआउट करना है और सोना है। मेहनत ज़्यादा है? मेहनत बहुत ज़्यादा है और उतना ही फिर उससे ज़्यादा डाइट है, फिर रेस्ट है। अब जो गोल्ड मेडल आपने जीता उसमें कितने लोगों ने, मतलब जो बॉडी बिल्डर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, कितने लोगों को हरा के आप ये गोल्ड मेडल तक पहुँचे? मैं 85 प्लस कैटेगरी में मैंने पार्टिसिपेट किया है, जो कि हैवी वेट होती है, हैवी वेट कैटेगरी होती है, 85 प्लस था वहाँ पे। मेरा वेट 98 किलो था, 85 प्लस से लेके और 120 मतलब 125 कोई भी वेट हो सकता है, वो सारे प्लेयर थे। मेरे वेट में तकरीबन 20 से 25 चुनिंदा बहुत अच्छे प्लेयर थे, सारे ही अच्छे प्लेयर थे, पुराने थे भाई, बड़ी कैटेगरी अच्छे प्लेयर आते हैं और होंगे 20-25 प्लेयर। तो ये हमारे साथ दीपक हैं जो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। अब आप इनके, मैं आपको एक ऐप्स दिखाऊंगा जो इन्होंने बहुत कमाल के बनाए हैं, जो गोल्ड मेडल के हकदार हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी बॉडी में होती हैं जो ऐसे होनी चाहिए। तो मैं इनसे कहूँगा कि चेन खोलें और एक बार ऐप्स ज़रूर दिखाएं ब्रेक टाइम 24 के दर्शकों को। खाली ऐप्स ही दिखाऊं? नहीं, पहले ऐप्स दिखाइए, उसके बाद हम जैकेट उतरवाएंगे। करीब से, करीब से। ये नेशनल ये बॉडी बिल्डर के ऐप्स हैं ये। चलिए चलिए, और अगर आपको एतराज़ ना हो तो टी शर्ट उतार के भी दिखवा दूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि लोग इंस्पायर हों, बच्चे हाँ, देखें, क्योंकि जो आने वाले युवा हैं वो इनसे बहुत इंस्पायर होंगे। क्योंकि जो ऐसा होता है कि जब हमें बॉडी का शौक चढ़ा होता है तब हमें ये देखना होता है कि जो आम लोग हैं जो ज़मीन से आसमान तक मेहनत करके पहुँचे हैं वो कैसे बॉडी बनाते हैं। देखिए ज़रा, आप इधर भी देख लीजिए एक बार। तो ये हमारे खुर्जा के टैना गांव के रहने वाले दीपक सोलंकी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव, अपने शहर का ही नहीं, अपने जनपद का ही नहीं, बल्कि देश का नाम रोशन किया है। और ये अभी इनकी लड़ाई और जो मेहनत है वो जारी रहेगी और आगे भी हम अभी आपको इनके जो जिम है, जो ये जिम चलाते हैं, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो कम से कम ऐसा जिम तो आपके पास होना चाहिए जो आपको प्रॉपर एलिमेंट्स दे सके, एक्सरसाइज करने के लिए मशीनरी हो सके,
अब यहाँ पे सब कुछ आपको एकदम बढ़िया दिखेंगी, मशीनें लगी हुई हैं। तो यहाँ केवल यही नहीं, और भी इनके जो मिलने वाले हैं या ये जो संपर्क में है वो यहाँ जिम करने आते रहते हैं, और ये जिम संचालक भी हैं। और आपको बता दें हम, इन्होंने जो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप दिल्ली में जीती है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर यहाँ खुर्जा का नाम रोशन किया, और अपने माँ बाप का और जो जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया उन्हें भी इन्होंने काफ़ी खुश किया है, वो इन परिवार इनका खुश है। और इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी है जो हम आपको अपने YouTube चैनल टाइम 24 पर मुहैया कराएंगे। अगर आप बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं तो इनकी वीडियो देखिए, इंस्पायर होइए, और दूसरों को भी सेहत बनाने के लिए कहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। टाइम 24 न्यूज़ के लिए हामिद सैफी, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।